हरे कृष्णा। आज श्रीला सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, तो श्रीला सनातन गोस्वामी हमारे जो 6 गोस्वामी हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं। तो आज हम श्रीला सनातन गोस्वामी जी के जीवन से जुड़ी 21 रोचक जानकारियां आपको देंगे और कथाएं सुनाएंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई। नंबर 1, श्रीला सनातन गोस्वामी जी राधा कृष्ण लीला में लवंग मंजरी हैं। नंबर 2, श्रीला सनातन गोस्वामी सन 1465 के आसपास अवतरित हुए थे और वो कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हैं। तो श्रीला रूप गोस्वामी जी के 5 वर्ष पहले श्रीला सनातन गोस्वामी जी प्रकट हुए थे। नंबर 3, श्रीला सनातन गोस्वामी जी के पिता का नाम है कुमार देव और कुमार देव जी के बहुत सारे संतानें थी, जिसमें से अमरदेव, संतोष देव और अनुपम ये मुख्यतः प्रचलित थे और ये तीनों बचपन से ही कृष्ण भावनामृत में एंगेज्ड थे, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए थे। और ये जो अमरदेव जी थे ये बाद में चलकर बने सनातन गोस्वामी जी और संतोष देव जी बने बाद में चल के रूप गोस्वामी जी। नंबर 4, मुकुंद देव जी जो कि सनातन गोस्वामी जी के दादाजी हैं, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को लेकर आए कहाँ पर, रामकेली में शिक्षा के लिए, क्योंकि जो उनके पिता थे कुमार देव उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नंबर 5, वहां से दोनों भाई गए नवद्वीप और वहां पर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से न्याय शास्त्र सीखा और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के भाई थे विद्या वाचस्पति, तो उनसे उन्होंने व्याकरण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। नंबर 6, मुकुंद देव जी जो कि उनके दादाजी हैं उनके मित्र थे फकरुद्दीन, तो फकरुद्दीन के पास फिर भेजा दोनों को, अमरदेव और संतोष देव को, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसकी, अरबी और फारसी की, क्योंकि उस समय जो है अरबी और फारसी सीखना बहुत आवश्यक था, खासकर जो कि सरकारी पद पर थे या फिर अच्छे पद पर वहाँ पर नियुक्त थे, तो उन दोनों को भेजा और वहाँ पर बहुत कम समय में वो दोनों अरबी और फारसी में दक्ष हो गए। नंबर 7, श्रील सनातन गोस्वामी जी बहुत सारी भाषाएं जानते थे, इसमें हिंदी हो गया, संस्कृत, बंगाली, कन्नड़, अरबी, फारसी, तो बहुत सारी भाषाओं में वो दक्ष थे, लेकिन उनकी विशेष रुचि थी किसमें, श्रीमद् भागवतम में। नंबर 8, लघु वैष्णव तोषणी में श्रीला जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्रीला सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने उनको एक भागवतम दिया, तो स्वप्न देख रहे थे सनातन गोस्वामी जी और जब सुबह हुई तो उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था, खट 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 खट। जब सनातन गोस्वामी जी बाहर गए तो वही ब्राह्मण जो उनके स्वप्न में आए थे श्रीमद् भागवतम लेकर उनके सामने खड़े थे। नंबर 9, जब वृंदावन गए श्रीला सनातन गोस्वामी जी तो वहां पर उन्होंने परमानंद भट्टाचार्य जी से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, जिन्होंने राधा गोपीनाथ जी का प्राकट्य किया था कहाँ पर, वंशीवट में। नंबर 10, भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्रील सनातन गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु हैं विद्या वाचस्पति जी। नंबर 11, कुछ समय बाद दोनों भाई रामकेली में रहने लगे, तो रामकेली में अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर वो जेल है जहां पर श्रील सनातन गोस्वामी जी को कैद किया गया था। नंबर 12, नवाब हुसैन जो कि वहां के राजा थे उस समय, तो उन्होंने दोनों भाइयों को एक पोस्ट दी अपने राज्य में, तो वो पोस्ट क्या थी, वो पोस्ट थी दबीर खास, मतलब कि प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव, जो कि किसको दिया गया, रूप गोस्वामी जी को, मतलब कोई कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, बट बेसिक इसका मीनिंग जो है दबीर खास का वो यही है, प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव। और साकर मलिक जो पोस्ट था वो किसको दिया, श्रीला सनातन गोस्वामी जी को, मतलब कि हु इज नेक्स्ट टू द किंग, मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उनको मतलब एक तरह से वो लेना नहीं चाहते थे ये पद, बट उनको जबरदस्ती दिया गया कि अगर तुम नहीं लोगे तो हम जो वैष्णव हैं ब्राह्मण हैं उनको हम परेशान करेंगे, तो उनकी रक्षा के लिए दोनों ने ये पोस्ट लिया। तो उनके नाम नहीं थे, कई बार लोग समझते हैं दबीर खास और साकर मलिक इनके नाम थे, दिस इज पोस्ट, दबीर खास मीन्स प्राइवेट सेक्रेटरी, साकर मलिक मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। नंबर 13, चैतन्य महाप्रभु जी आए दोनों भाई से मिलने के लिए, तो भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं, उतने ही आतुर होते हैं जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जी दर्शन करने के लिए आए श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के, तो जब वो आए तो उन्होंने देखा तो वो दोनों मतलब कि महाप्रभु के नज़दीक नहीं जान रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम तो एक यवन की सेवा कर रहे हैं, हम कैसे महाप्रभु के समीप जा सकते हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और आलिंगन करके उन दोनों को बोला कि आज से अमरदेव आप हैं सनातन गोस्वामी और संतोष देव आप हैं रूप गोस्वामी, तो मतलब कि दोनों को वहां पर नाम दिया और अपने चरण जो है उनके माथे पर रखे। नंबर 14, तो एक समय नवाब हुसैन जो राजा थे उन्होंने आक्रमण करने को सोचा, किस पर, उड़ीसा पर, तो ये बेसिकली ये जो नवाब हुसैन है ये कौन है, ये जरासंध के अवतार हैं, तो जरासंध जो है हम जानते हैं उनके अवतार हैं ये,
तो उन्होंने आक्रमण करने का सोचा, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए कि मतलब कैसे ये मतलब मंदिर तोड़ेंगे, वहाँ पर मंदिर तोड़ेंगे और वैष्णवों को ब्राह्मणों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उनका वध करेंगे। तो बहुत निराश हो गया वो लोग और सोचने लगे क्यों हम इसकी सेवा कर रहे हैं ऐसे राजा की। नंबर 15, तो सनातन गोस्वामी जी बहुत निराश हो गए और वो घर पर ही बैठ गए और घर पर अपना श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लगे और लोगों को क्लास देने लगे, एक तरह से लेक्चर देने लगे। तो जब देखा नवाब हुसैन ने कि ये सनातन गोस्वामी जो है मतलब कि साखिर मलिक, ये आजकल आ क्यों नहीं रहे, तो वो उन्होंने भेजा, वैद्य को भेजा कि जाओ देखो उनकी तबीयत ठीक है। तो वैद्य आया, उस समय नाड़ी देखते थे, वैद्य ने नाड़ी चेक किया, बोले ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर गए नवाब हुसैन को बताया कि उनकी नाड़ी तो बिल्कुल ठीक है वहाँ पर बैठ कर, तो वो पता है श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे हैं आपको पता है। तो जब नवाब हुसैन ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ, वो खुद गया और जाकर बोला कि साकिर मलिक ये क्या है, ये तुम्हें पता है युद्ध होने वाला है और तुम यहाँ पर बैठे हो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि देखिए मैं अब भगवान के शरणागत हो चुका हूँ, भगवान के शरण में आ गया हूँ और मैं उनकी ही अब आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। तो राजा जो हुसैन था, नवाब हुसैन, बहुत क्रोधित हुआ और चला गया और फिर उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। और फिर दोबारा फिर बाद में वो आया सनातन गोस्वामी जी के पास, बोला कि तुम मानोगे, तुम चलोगे मेरे साथ या नहीं चलोगे। तो उन्होंने बोला क्षमा कीजिए मैं नहीं चलूंगा। तो फिर उनको वहां से उन्होंने जेल में डाल दिया। फिर रूप गोस्वामी जी, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था रूप गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी को 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखवा दी हैं रिश्वत देकर, जो जेलर है उसको रिश्वत देकर आप छूट कर आ जाओ, हम वृंदावन जा रहे हैं आप वहीं पर आ जाओ। तो सनातन गोस्वामी जी ने वहां पर वो मुद्राएं देकर फिर वहां से जेल से छूट गए। नंबर 16, श्रील सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि वो काशी पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि वो काशी में चंद्रशेखर आचार्य जी के घर पे हैं, तो चंद्रशेखर आचार्य जी बेसिकली एक शूद्र परिवार से थे, मतलब कि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। तो सनातन गोस्वामी जी एकदम मतलब हालत उनकी ऐसी थी, बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, अपना एकदम होश ही नहीं था उनको, इतना मतलब आतुर थे कि महाप्रभु के एक बार दर्शन हो जाए। लेकिन जब चंद्रशेखर आचार्य जी के घर पहुंचे तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे अंदर जाऊं, कैसे महाप्रभु के सामने मैं उनको कैसे फेस करूं, मैंने एक यवन की सेवा की है, मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा दुष्ट हूं, मैं नहीं जा सकता। बाहर बैठकर वो रोते रहे चंद्रशेखर आचार्य जी के घर के बाहर। तो महाप्रभु तो सब जानते हैं, उन्होंने बोला चंद्रशेखर आचार्य जी को कि बाहर जाओ, कोई व्यक्ति है उनको लेकर आओ आप अंदर। तो चंद्रशेखर आचार्य जी गए उनको, सनातन गोस्वामी जी को लेकर आए अंदर। तो जब अंदर लेकर आए तो सनातन गोस्वामी जी पीछे हट गए क्योंकि उन्हें पता था कि महाप्रभु आलिंगन कर लेंगे मेरा। तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला नहीं महाप्रभु, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने एक यवन की सेवा की है, मैं विषयी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा करें प्लीज़, आप मुझसे दूर हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये क्या कह रहे हो सनातन, मेरा हृदय पिघल रहा है, ऐसे मत बोलो सनातन। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और गले लगाकर दोनों इतना रोए सनातन गोस्वामी जी के आंखों से अश्रु बह रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी की आंखों से अश्रु बह रहा है। वाह, अद्भुत लीला हो रही थी वहां पर भक्त और भगवान के बीच। नंबर 17, तो चैतन्य महाप्रभु जी फिर सनातन गोस्वामी जी की खूब तारीफ किए जा रहे हैं। और फिर लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि सनातन गोस्वामी जी के कंधे पर एक कंबल है। तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जी मेरे कंबल की तरफ देख रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा पद त्याग दिया, इतना मेरे पास पैसे थे, इतना इतना एक सम्मान था, वो सब मैंने त्याग दिया और उसके बाद मैं एक कंबल से आ सकता हूँ। तो वो गए और वहाँ पर एक भिखारी था, भिखारी को बोला कि आप मुझे अपनी फटी हुई रजाई वो दे दो और ये मेरा कंबल ले लो। तो वो भिखारी गुस्सा हो गया, उस तरह मजे ले रहा, कह रहा क्या है मजाक कर रहे हो यहाँ पर सुबह सुबह आके। तो नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आप ये नया कंबल ले लो। तो नया कंबल भिखारी को दे दिया, फटा पुराना जो रजाई थी उससे लेकर फिर महाप्रभु जी के सामने आया। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए कि देखो कितना बड़ा वैरागी है सनातन, कितना बड़ा वैरागी है। नंबर 18, चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रील सनातन गोस्वामी जी को बहुत सारी शिक्षाएं दी और बहुत सारे आदेश दिए, जिनमें से 4 जो आदेश थे वो मुख्य थे। उसमें से क्या क्या था? पहला ये था कि वृंदावन में जाके लीला स्थलियों का पता लगाओ। दूसरा कि अर्च विग्रह की स्थापना करो। तीसरा था शुद्ध भक्ति की स्थापना करो। और चौथा था वैष्णव सदाचार के ऊपर, वैष्णव संस्कृति के ऊपर एक ग्रंथ लिखो। तो ये 4 आदेश जो महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को दिए थे ये प्रमुख थे। और हाँ, एक और बोला था कि आप जो है जो भी मेरे भक्त आएंगे वृंदावन में, आपको उनकी विशेष सेवा करनी है, उनका विशेष ख्याल भी आप ही को रखना है। तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला महाप्रभु ये सब हो तो जाएगा लेकिन इसके लिए आपको अपने चरण मेरे मस्तक पर रखने होंगे,
अपना आशीर्वाद देना होगा। तो महाप्रभु ने अपना चरण श्रील सनातन गोस्वामी जी के माथे पर रखा, मतलब कि बेसिकली उनको एम्पावर किया ये सब करने के लिए, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 19, श्रील सनातन गोस्वामी जी जब वृद्ध हो चुके थे तो भी वो गिरिराज की परिक्रमा करना नहीं छोड़ते थे, गिरिराज गोवर्धन जी जो हैं। तो उस समय वो मदन मोहन जी की जो डिटीज हैं आज हमारे पास, उनकी सेवा करते थे। तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, 89 ईयर्स के हो गए थे वो, तो इतने वृद्ध हो गए थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, एकदम भूख लगी है, प्यास लगी है, हालत गंभीर है। तो भगवान जो है एक ग्वाल बाल के रूप में आए और उनको दूध दिया, बोला कि अरे बाबा अब तेरी उम्र हो गई है, अब रहन दे ये सब करने को, क्यों करता है ये परिक्रमा। तो सनातन गोस्वामी जी कहाँ सुनने वाले थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया और दूध पी के आगे चलने लगे। लेकिन वो जो ग्वाल बाल था उनका ही ख्याल करने लगे, हमेशा बस चलते चलते उनका ही स्मरण हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे मदन मोहन जी का ख्याल नहीं हो रहा, मुझे गिरिराज जी का ख्याल नहीं हो रहा, और उस बच्चे का ख्याल मुझे आ रहा है, उनकी स्मृति आ रही है, ऐसा क्या था उस ग्वाल बाल में, क्या था क्या था क्या था। ऐसे ऐसे करते करते वो गर्मी इतनी थी वो बेहोश हो गए गिर के। फिर से वही ग्वाल बाल मतलब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में आए और फिर पूछा श्रील सनातन गोस्वामी जी ने, तुम कौन हो। तो फिर भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और गिरिराज जो वहाँ पर शिला थी उस पर अपने चरण रखे और बोला कि आज से आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है पूरी, बस ये जो शिला है इसकी चार परिक्रमा आप कर लो, और इसकी चार परिक्रमा करना पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बराबर होगा, वही फल प्राप्त होगा। तो तब से फिर श्रील सनातन गोस्वामी जी शिला की परिक्रमा करने लगे। तो शिला वो आज भी रखा है, आप देख सकते हैं वृंदावन में। नंबर 20, अपने अंतिम समय में मानसी गंगा में रहकर वहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे। तो वहाँ पर मच्छर बहुत थे, बहुत मच्छर परेशान करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी ने सोचा मतलब कैसे भजन करूँ, अब नहीं हो पा रहा। तो उनके ख्याल हुआ कि अब मैं जो है ये स्थान त्याग दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो जो महादेव जी थे जो कि वहाँ के क्षेत्र के जो एक तरह से रक्षक जो बोले जाते हैं, तो महादेव जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि आज से स्थान पर मच्छर नहीं होंगे। और आज भी जो मानसी गंगा में अगर आप जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा जब आप करते हैं तो बीच में ही वो मानसी गंगा जी आती हैं, वहाँ पर आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेंगे। नंबर 21, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी जी के, मदन मोहन जी का मंदिर, रूप सागर, सनातन सागर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, इंदुलेखा कुंड, सुरभि कुंड, और बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं जिनका कि श्रील सनातन गोस्वामी जी ने और श्रील रूप गोस्वामी जी ने दोबारा से उनको प्रकट किया। तो ये थी 21 मुख्य जानकारियाँ श्रील सनातन गोस्वामी जी के जीवन से जुड़ी, और बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं इन 6 गोस्वामी में से। सबसे ज़्यादा अगर हमें जानकारी मिलती है तो श्रील सनातन गोस्वामी जी के बारे में ही मिलती है। तो उन्होंने भागवतम श्रीमद भागवतम के ऊपर भी टीका लिखा था, विशेषकर दशम स्कंद के ऊपर, जिसे बृहद वैष्णव तोषणी या दशम टिप्पणी के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वें अध्याय में श्रील सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षाएं दी हैं सनातन शिक्षा के नाम से है, वो भी हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। और ब्रजवासियों को बहुत 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 प्रिय थे हमारे श्रील सनातन गोस्वामी जी, इसलिए जब उनके तिरुभाव के दिवस के दिन ब्रजवासी जो हैं उन्होंने सबने अपना मुंडन करवाया था, इसलिए आज के दिन को मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आज देखेंगे तो आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा 5 लाख से भी अधिक लोग करते हैं परिक्रमा, और ये संख्या मतलब बढ़ती जा रही है, इतने सारे लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज महाराज के। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी बहुत ही एक विशेष प्रोमिनेंट गोस्वामी हैं हमारे जो ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, हम उनसे आज मांगते हैं क्या भक्ति, कि सनातन गोस्वामी जी जो भक्ति उनके अंदर थी, जो भक्ति थी उसका कड़ मात्र लेश मात्र थोड़ी सी भक्ति हमको भी मिल जाए तो बस हमारा जीवन तो सफल हो गया। श्रील सनातन गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।